आइए जानते हैं एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की आज सुबह के सभी मुख्य समाचार, ताजा और बड़ी खबरों को। उससे पहले अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। यूपी सरकार की सख्ती, 4 दिन में ही बदला शेड्यूल, अब गाँव को मिलेगी पूरी रात बिजली। सीएम योगी आदित्यनाथ ने फरियादियों को दिलाया भरोसा, हर पात्र को मिलेगा आवास। 5 महीने बाद यूपी में आए 319 कोरोना केस, 63 जिलों में पॉजिटिव केस, प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1192 पहुंची। यूपी में 2 चरणों में होगा निकाय चुनाव, 4 और 11 मई को होगी वोटिंग, 13 मई को आएगा रिजल्ट, आचार संहिता लागू। राम की कृपा से मिला तीर कमान, अयोध्या में मंदिर वहीं बनाएंगे का जिक्र कर बोले शिंदे सरकार। निकाय चुनाव से पहले मायावती का एक्शन, पूर्व मंत्री राजकिशोर सिंह और उनके भाई डिंपल को बसपा से निकाला। पान मसाले के पाउच पर कितना लगेगा जीएसटी, सेस तय हुआ नया फार्मूला। एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती, शारीरिक परीक्षण के लिए 3.68 लाख अभ्यर्थी सफल। उत्तर प्रदेश में ठेले की चाट खाने से 20 से ज्यादा बच्चे को हुई फूड पॉइजनिंग, सभी की हालत गंभीर। डिप्टी सीएम ने अखिलेश यादव पर जमकर साधा निशाना, कहा सपा सरकार में था अपराधियों का बोलबाला, अब हो रहा है सफाया। 2047 तक पीएम और सीएम की वैकेंसी नहीं, झांसी में सपा पर बरसे केशव बताया, 2024 में कितनी सीटें जीतेगी भाजपा। अधीक के बेटे असद के मददगारों पर शिकंजा, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 3 को दबोचा। बाराबंकी में गैंगस्टर पर कार्रवाई, 50 दुकानें जब्त, 9.12 करोड़ रुपए की संपत्ति भी कुरकर। महाकुंभ 2025 संगम किनारे लगेगा विश्व स्तरीय टेंट, एक साथ 10,000 से अधिक पर्यटक कर सकेंगे विश्राम। मऊ की कृषि मंडी में लगी आग, 1.5 दर्जन दुकानें जली, लाखों के फल सब्जी जलकर राख। 150 करोड़ से गरीब बेटियों के हाथ पीले करेंगी योगी सरकार, सीएम योगी का यह है प्लान। यूपी के मेरठ जिले में बनेंगी 18 करोड़ से 28 सड़कें, सीएम योगी का बड़ा ऐलान। स्वास्थ्य सेवाओं को ऑनलाइन करने पर फोकस, प्रयागराज के स्वास्थ्य केंद्रों पर तैनात ऑपरेटर व आशा कार्यकर्ताओं को दी जा रही जिम्मेदारी। फतेहपुर में साध्वी निरंजन ज्योति ने कांग्रेस पर किया हमला, बोली कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से टूट चुकी है, नेहरू खानदान से उभर नहीं पा रही। मिर्जापुर में 20 लाख का गांजा बरामद, 3 अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार, बिना नंबर प्लेट के पिकअप से उड़ीसा ले जा रहा था गांजा। डिप्टी सीएम ने ध्यान केंद्र सेंट्रल लैब का किया उद्घाटन, ब्रजेश पाठक बोले अखिलेश ऐसी रूम में बैठकर ट्वीट करते हैं, दवाइयों की दलाली करने वालों पर गैंगस्टर लगाएंगे। यूपी के मिर्जापुर में पसमांदा समाज ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां, बोले मेरा घर पीएम मोदी की देन, घर में जल रहा चूल्हा भी उन्हीं की देन। कोरोना पर योगी सरकार की नई गाइडलाइन, यूपी के अस्पतालों में लैब और टेस्टिंग पर सख्त दिए गए निर्देश। चलिए बड़ी खबरों को जानते हैं विस्तार से, उससे पहले अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक कर दें। यूपी सरकार की सख्ती, 4 दिन में ही बदला शेड्यूल, अब गांव को मिलेगी पूरी रात बिजली। जी हां, यूपी सरकार के निर्देश के बाद पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन ने गांव को पूरी रात निर्बाध बिजली देने के लिए अपने घोषित शेड्यूल को महज 4 दिन के अंदर ही बदल दिया। अब शाम ढलने के बाद गांव में बिजली आएगी तो पूरी रात नहीं जाएगी। बदले शेड्यूल से पूर्वांचल के ग्रामीण क्षेत्रों में अब आधी रात को 2 घंटे बिजली नहीं कटेगी। इससे पिछड़े इलाके के ग्रामीण भी चैन से सो सकेंगे। इससे पहले ही 1 अप्रैल को जारी तहसील, नगर पंचायत और गांव को बिजली देने के शेड्यूल में पूर्वांचल के सभी जिलों में आधी रात में 2 घंटे बिजली काटने की व्यवस्था दी गई थी। 1 अप्रैल को जारी समय सारणी की व्यवस्था के मुताबिक बिजली दिए जाने पर इस गर्मी में पूर्वांचल के ग्रामीण को नींद आते ही जागने का पूरा इंतजाम था। जिलों में रात 12 से भोर में 4 बजे के बीच 2 घंटे कटौती की व्यवस्था थी, पर अब ऐसा नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने फरियादियों को दिलाया भरोसा, हर पात्र को मिलेगा आवास। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 500 से अधिक लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान लोगों को आश्वस्त किया कि कोई भी पात्र शासन के कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहेगा, किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, हर पात्र को आवास मिलेगा, साथ ही उनकी अन्य समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर होगा, सरकार इसके लिए संकल्पबद्ध है। वहीं गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में तकरीबन 500 लोगों ने मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी समस्याएं बताई। कोई आवास के लिए गुहार लगाने आया तो किसी के सामने आर्थिक संकट था। यूपी में 2 चरणों में होगा निकाय चुनाव, 4 और 11 मई को होगी वोटिंग, 13 मई को आएगा रिजल्ट, आचार संहिता लागू। जी हां, यूपी निकाय चुनाव को लेकर बड़ी खबर है। लखनऊ में आज शाम राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है। 4 मई और 11 मई को मतदान होगा,
13 मई को रिजल्ट आएगा। पहले चरण में 11 से 17 अप्रैल तक नामांकन पत्र जमा होंगे। 20 अप्रैल को नाम वापसी होगी। वहीं दूसरे चरण में 17 से 24 अप्रैल तक नामांकन पत्र जमा होंगे। 27 अप्रैल को नाम वापसी होगी। इससे पहले निकाय चुनाव आरक्षण के बाद की अधिसूचना जारी की गयी। इसके बाद आचार संहिता लागू हो गयी है। राम की कृपा से मिला तीर कमान, अयोध्या में मंदिर वहीं बनाएंगे का जिक्र कल बोले शिंदे। जी हां, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बिना नाम लिए उद्धव ठाकरे पर हिंदुत्व की विचारधारा से किनारा करने के लिए हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि राम मंदिर के निर्माण पर संदेह जताने वालों को घर का रास्ता दिखा दिया गया है। एकनाथ शिंदे ने अयोध्या में रामलला के दर्शन करने और मंदिर के निर्माण कार्य को देखने के बाद मीडिया से बातचीत की। शिंदे पिछले साल जून में महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने के बाद अयोध्या के अपने पहले दौरे पर थे। उनके साथ अयोध्या में हजारों शिव सैनिक भी थे, जिन्हें शिवसेना के चुनाव चिन्ह वाले भगवा झंडे लिए दिखाई दिया गया। पान मसाला के पाउच पर कितना लगेगा जीएसटी, शेष तय हुआ नया फार्मूला। जी हां, सरकार ने पान मसाला एवं तंबाकू उत्पाद विनिर्माताओं पर 1 अप्रैल से प्रभावी खुदरा बिक्री मूल्य पर आधारित जीएसटी सेस को निर्धारित कर दिया है। पान मसाला एक तंबाकू उत्पादों पर पहले 28% की दर से लगने वाले माल एवं सेवा कर जीएसटी के अलावा उस पर मूल्य के अनुपात में सेस लगता था, लेकिन अब इस व्यवस्था में बदलाव कर दिया गया है। दरअसल वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक जीएसटी सेस के तौर पर पान मसाला पाउच के खुदरा बिक्री मूल्य 0.32 गुना वसूला जाएगा। ठेले की चाट खाने से 20 से ज्यादा बच्चों को हुई फूड पॉइजनिंग, सभी की हालत गंभीर। दरअसल उत्तर प्रदेश के उरई में रोजा खोलने के बाद ठेले पर चाट खाने से 20 से ज्यादा बच्चे फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए हैं। बच्चों को उल्टियां शुरू हो गई तो परिजन आनंद फानंद में उन्हें सीएचसी लेकर गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी को जिला अस्पताल भेज दिया गया। अब चाट वाले की तलाश की जा रही है। अतीक के बेटे असद के मददगारों पर शिकंजा, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 3 को दबोचा। जी हां, जेल में बंद कथित गैंगस्टर अतीक अहमद के सहयोगियों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अतीक के बेटे असद की कथित तौर पर मदद करने और उमेश पाल की हत्या की साजिश रचने के मामले में भूमिका निभाने वाले 3 और आरोपियों को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार 3 लोगों की पहचान जावेद, खालिद और जीशान के रूप में हुई। पुलिस ने 28 मार्च को ही खालिद और जीशान नाम के 2 गुर्गों को दिल्ली से गिरफ्तार किया। दोनों के पास से 2 हथियार और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। यूपी के बाराबंकी में गैंगस्टर पर कार्रवाई, 50 दुकानें जब्त, 9.12 करोड़ रुपए की संपत्ति भी कुर्क। दरअसल दबंगई व अपराध करके करोड़ों की संपत्ति बनाने वाले गैंगस्टर की बंदूसराय पुलिस व तहसील प्रशासन ने आज करीब 9.12 करोड़ कीमत की बंदूसराय कस्बा में बनी 50 दुकानें व जमीन कुर्क कर ली। दरअसल बंदूसराय थाना के हजरतपुर निवासी सैयद मोहम्मद मेहंदी उर्फ जुल्फी मियां पुत्र खुर्शीद अस्कर पर स्थानीय थाने में कई मुकदमे दर्ज हैं। इसके द्वारा अपने गैंग में नए सदस्यों को शामिल कर दबंगई, मारपीट व अन्य आपराधिक घटनाएं करके करोड़ों की संपत्ति बनाई गई है। उत्तर प्रदेश के जिले मऊ की कृषि मंडी में लगी आग, 1.5 दर्जन दुकानें जली, लाखों के फल सब्जी जलकर राख। दरअसल मऊ जिले की नवीन कृषि मंडी में अज्ञात कारणों से भीषण आग लगी। अग्निकांड में करीब 1.5 दर्जन दुकानें जलकर राख हो गई। फायर ब्रिगेड की 3 वाहनों ने 2 घंटे मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बता दें कि इस घटना में कोई हताहत तो नहीं हुआ है। वहीं कोतवाली क्षेत्र में नवीन कृषि मंडी में बंदी होने के कारण फल व सब्जी की दुकानें बंद थी। देर रात लगभग 8 बजे अचानक मंडी की एक दुकान में आग लगी। 150 करोड़ से गरीब बेटियों के हाथ पीले करेगी योगी सरकार, सीएम योगी का यह है प्लान। दरअसल उत्तर प्रदेश के पिछड़े वर्ग के निर्धन लोगों को अब बेटियों की शादी के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। यूपी के योगी सरकार ने 2023 और 24 में इस वर्ग के गरीब बेटियों के हाथ पीले करने के लिए 150 करोड़ रुपए के बजट को वित्तीय स्वीकृति दे दी है। बता दें कि इस राशि को योजना के तहत प्रचलित नियमों व प्रावधानों के अंतर्गत खर्च किया जाएगा। मालूम हो कि यूपी सरकार पिछड़ा वर्ग के गरीब बेटियों की शादी के लिए अनुदान देती है। राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से किए गए आवेदन पर अनुदान दिया जाएगा।
डिप्टी सीएम ने ध्यान केंद्र सेंसर लैब का किया उद्घाटन। ब्रजेश पाठक बोले, अखिलेश एसी रूम में बैठकर ट्वीट करते हैं, दवाइयों की दलाली करने वालों पर गैंगस्टर लगाएंगे। दरअसल डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक दो दिवसीय झांसी दौरे पर हैं। आज सुबह झांसी मेडिकल कॉलेज पहुंचे, यहां नवनिर्मित ध्यान केंद्र और सेंट्रल लैब का उद्घाटन किया, जिसके बाद पौधरोपण किए। अखिलेश यादव के स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर ट्वीट पर उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव केवल मीडिया में आने के लिए एसी रूम में बैठकर ट्वीट करते हैं, सड़कों पर निकल कर देखिए उत्तर प्रदेश का वातावरण बदल चुका है। सपा के सरकार में गुंडे माफिया मवाली लुच्चे लफंगे सड़कों पर जनता को प्रताड़ित करते थे, आज वह जेल में बंद है। उनका कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम हमारी सरकार करेगी। इसके बाद उन्होंने अफसरों के साथ बातचीत की, कोरोना केस के बारे में भी जानकारी दी। पसमांदा समाज ने गिनाई योगी सरकार की उपलब्धियां, बोले मेरा घर पीएम मोदी की देन, घर में जल रहा चूल्हा भी उन्हीं की देन। दरअसल मिर्जापुर में मुस्लिम पसमांदा समाज के कार्यकर्ताओं ने विंध्याचल क्षेत्र के कतीत में भ्रमण कर मुस्लिम समाज के लोगों से मुलाकात की। इस दौरान मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धि को गिनाया, समाज के तमाम लोगों ने मोदी पर भरोसा जताया। बताया कि वह जिस मकान में रह रहे हैं वह मोदी सरकार की देन है, घर में जल रहा गैस चूल्हा भी मिला है। कंतीत वार्ड में समाज के संयुक्त सचिव मुनीर अहमद के निवास पर जिलाध्यक्ष चांद बाबू के नेतृत्व में बैठक की गई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर सरकार की उपलब्धियों का बखान किया गया। खबरों में इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। खबर को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।